तो भाई आज देखने वाले हैं लंबरगिनी की न्यूली लॉन्च लंबरगिनी टेमारी। और इस कार के आप साइजेस और लुक समझ जाइएगा, इसमें आपको लंबरगिनी के फर्स्ट टाइम फीचर्स भी मिलते हैं। ये लंबरगिनी भाई फ्रंट व्हील ड्राइव पे भी चल सकती है, रियर व्हील ड्राइव पे भी चल सकती है और फोर व्हील ड्राइव पे भी कंटिन्यूअस चल सकती है। इसमें आपको 13 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं और 3 स्टेज का ड्रिफ्ट मोड भी मिलेगा। टॉप स्पीड है ओवर 337 किलोमीटर पर आवर। और लंबरगिनी का फर्स्ट टाइम फीचर लावो कैमरा। और वीडियो के एंड तक रुकिएगा, लंबरगिनी टेमेरारियो का खतरनाक वर्जन एल्गरिटा को भी देखेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं सीधे नेम के साथ। हर बार लंबरगिनी लॉन्च करने के बाद बताता है कि क्या मीनिंग है भाई कार का। तो टेमेरारियो मतलब है भाई रैकलेस। अब धीरे धीरे जो है मैं भी प्रोनाउंस करना सीख जाऊंगा, आप भी प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। देन लुक्स की बात करें तो यहाँ पे लंबरगिनी का कहना था भाई कि हेक्सागोनल शेप से इंस्पायर्ड है व्हीकल। तो आप DRL में भी देख सकते हैं हेक्सागोनल शेप आपको मिलेगा। फ्रंट में जो आपको रडार मिलते हैं वहां भी मिलेगा। रियर में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट, टेल लाइट्स, इवन जो आपको वेंट्स देखने को मिलेंगे जहां से एयर पासेस होगी, जहां से आपको डाउनफोर्स जनरेट होता है। अलॉय व्हील्स में भी आपको जितने भी डिजाइन्स आते हैं वो भी उसी से इंस्पायर्ड है। और इंटीरियर में भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। बाकी फ्रंट जो है भाई हरेकन का सक्सेसर है, तो उसका इंस्पिरेशन आपको दिखता है लगभग उसी प्रकार की, आपको जो है बोनट की लाइन्स वगैरह दिखती है। और जो हेडलैम्प्स है आपको दो स्मॉल प्रोजेक्टर यूनिट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत हरेकन का रिजेम्बलेंस मिलता है। साइड प्रोफाइल में आपको लगभग सिमिलर लंबरगिनी के सिग्नेचर प्रोफाइल मिलती है। मेजर चेंज जो आपको लगेगा वो लगेगा भाई रियर में जैसे कि आपने बुगाटी की टॉर्बोलियन में देखा था ना, व्हील्स पूरे एक्सपोज्ड थे, सिमिलरली यहाँ पे भी पूरे व्हील्स एक्सपोज्ड कर दिए हैं। और बहुत ही बड़े बड़े टायर्स होते हैं भाई सुपर कार्स में, और पहले जो है इनको शोकेस नहीं करा जाता था, लेकिन अब जो है भाई धीरे धीरे कंपनीज क्लियरली दिखा रही है। और इसमें आपको मिड माउंटेड इंजन मिलता है, तो भाई इंजन भी फुली एक्सपोज्ड है V8 की बैजिंग के साथ। कम्प्लीटली न्यू एल्यूमिनियम चेसी मिलता है जो कि 20% स्टिफ है कंपेयर टू हरेकन। व्हील्स में आपको 4 अलॉय व्हील्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फ्रंट में आपको मिलेंगे 20 इंचेस के और रियर में आपको मिलेंगे 21 इंचेस के। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्विन टर्बो V8 इंजन जो कि रेव करता है 10,000 RPM तक। और इसमें आपको मिल जाएगी 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स, दो जो है आपकी फ्रंट व्हील माउंटेड है और वो अकेले ही 188 BHP पावर प्रोड्यूस कर लेती है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है इंजन के साथ कंबाइन। और ऑब्वियसली जो आप तीनों इलेक्ट्रिक मोटर्स और इंजन का कंबाइन पावर यूज कर सकते हैं जो कि होगा 907 BHP। तो भाई सिंपल सी थिंग है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें 2 टर्बो एड ऑन कर दिए हैं और उसके साथ 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स को एड ऑन कर दिया है। तो अब इससे हुआ क्या, फ्रंट में है इलेक्ट्रिक मोटर्स तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई, आप उसको इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं। पीछे इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर कंबाइन है, तो अगर आप फ्रंट के इलेक्ट्रिक मोटर्स को बंद कर देंगे तो रियर के यूज कर सकते हैं। और अगर आप जो है फ्रंट और रियर दोनों को ऑन कर देते हैं तो फोर व्हील ड्राइव पे आपको हमेशा ही पावर देगी। तो बहुत ही डिफरेंट सेटअप है। इसी के साथ आपको मिलता है 8 स्पीड का ट्रांसमिशन और इसकी टॉप स्पीड है भाई 337 किलोमीटर पर आवर। 0-100 करती है 2.7 सेकेंड्स में और 0-200 करती है 7.3 सेकेंड्स में। तो भाई देखा जाए पावर ट्रेन के हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक इंजीनियरिंग है। अब चीजें यहां भी खत्म नहीं होती, इसमें आपको 13 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। 3 जो है भाई पावर ट्रेन से रिलेटेड है, रिचार्ज मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव चलेगा, हाइब्रिड मतलब रियर व्हील ड्राइव चलेगा, परफॉर्मेंस मतलब फोर व्हील ड्राइव चलेगा। अब ये सिलेक्शन के बाद आप एक लेवल और ऊपर चले जाओ, अब यहाँ पे आपको कुछ और ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, सिटा, स्ट्राडा, स्पोर्ट, कॉर्सा, कॉर्सा प्लस। कॉर्सा का मतलब भाई इटालियन में केयरफुल नाउ। तो भाई कॉर्सा या कॉर्सा प्लस पे अगर आप चलाते हैं तो आपके सारे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और गाड़ी कंप्लीटली मैनुअल हो जाएगी। तो जितना आप फन उससे करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि मैंने 13 मोड्स बताए थे, अभी तो भाई 10 ही हुए हैं। तो 3 स्टेज के आपको ड्रिफ्ट मोड मिलेंगे, मतलब आप अलग अलग तरीके से ड्रिफ्ट कर सकते हैं। अब इंटीरियर में आते हैं तो भाई इसमें 400 ऑप्शंस आपको मिलते हैं चूज करने के, आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं इंटीरियर को, चाहे वो स्पोर्ट सीट्स हो, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे स्टीयरिंग कवर हो, और बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन। तो कुछ स्पेसिफिक बात करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रीन आपको मिल जाती है जिसमें आपको लंबरगिनी के सिग्नेचर एनिमेशंस मिलेंगे। उसके साथ इंफोटेनमेंट में आपको वर्टिकल स्क्रीन्स मिलेगी
और वो जो हेक्सागोनल डिजाइन है ना एक्सटीरियर में, उसी से इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेगा। अब एक छोटी स्क्रीन आपको पैसेंजर साइड में भी मिलेगी, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी देख सकते हैं कैसी क्या स्पीड पे है, कैसे क्या आरपीएम, और आप चाहे तो अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। अब कैमरा सिस्टम में एक नया टेक है, फ्रंट में कैमरा, रियर में कैमरा तो ऑब्वियसली मिलता ही है, लेकिन एक जो है भाई आप पर्सनल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप अंदर बैठे रहते हैं ना, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस कैमरा सिस्टम को लैम्बोर्गिनी कहता है भाई लावू कैमरा सिस्टम, जिसमें आपको मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स के साथ कस्टमाइज्ड एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी आपका मन नहीं भरता, आपको और परफॉर्मेंस चाहिए, और डाउनफोर्स चाहिए, और बेटर हैंडलिंग चाहिए, तो भाई लैम्बोर्गिनी एक और पैकेज निकाला है टेमेरेरो के लिए, वो है भाई एलगरिटा पैकेज। अब इसमें होगा क्या भाई, कार्बन फाइबर्स का सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो फ्रंट बम्पर हो, चाहे वो रियर बम्पर हो, चाहे आपके विंग्स हो, एक्स्ट्रा विंग्स भी एड ऑन हो जाएंगे, इवन जो एलॉय व्हील्स है ना वो भी आपको कार्बन फाइबर्स के मिलेंगे। और जहाँ कार्बन फाइबर का नाम आता है आप समझ सकते हैं वेट लूज हुआ ही होगा, स्ट्रेंथ बढ़ी होगी, तो 25 किलो जो है लूज कर देती है, और एक्स्ट्रा विंग्स के कारण आपको जो है बेटर डाउन फोर्स देखने को मिलता है, और आप जो है ट्रैक लेवल की ड्राइविंग इसमें कर पाएंगे। तो भाई कैसी लगी आपको लैम्बोर्गिनी की टेमेरेरियो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।